हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है और किस हिसाब से कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, किस टाइप का होता है, जरा उसको पहले जाने। तो सबसे पहले हमने कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का हमने लिया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इन द फॉर्म इस तरह की, आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इस तरह के फॉर्म का है। आप स्मॉल आर जानते हो, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, स्मॉल एस इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल टी इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, इस तरह के फॉर्म का है। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व, इट रिप्रेजेंट ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला। एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है या पैराबोलिक व्हेन एस स्क्वायर माइनस 4RT जीरो के इक्वल हो। मतलब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए तो एक पैराबोलिक रिप्रेजेंट करता है जब एस स्क्वायर माइनस 4RT जीरो हो। दूसरा पॉइंट होता है इट रिप्रेजेंट इलिप्टिक। ये इलिप्टिक रिप्रेजेंट करेगा व्हेन एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन जीरो, ये इलिप्टिक रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा, इट रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा व्हेन एस स्क्वायर माइनस। मतलब ये बच्चों कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इस फॉर्मेट का हो, जहां पे आर आप जानते हो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू होता है, एस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू है, अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन और कहे कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सबसे पहले इससे कंपेयर करके सब निकाल लो और एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालो। अगर ये जीरो होता है तो पैराबोलिक, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन जीरो तो इलिप्टिक, और ग्रेटर देन जीरो तो हाइपरबोलिक। ये तीन केस होते हैं। अब कैनोनिकल फॉर्म चेंज क्या होती है, कैसे करते हैं, जरा उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म होता क्या और कैसे चेंज होती है। एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहां पे, रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू, और आप लोग ये जानते हैं कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू जो होता है वो आर होता है, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू जो होता है वो टी होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, इसको इंटू कैनोनिकल फॉर्म, इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करिए। तो सबसे पहले हम यहां पे कर कह सकते हैं कैसे कैनोनिकल फॉर्म चेंज होती है, उसका प्रोसेस क्या और करना क्या है वो जरा समझना है। यहां पे सबसे पहले डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू
डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू है। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू जो होता है दिस इज आर, ये हमारे पास आर हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू टी हो गया। अब इस तरह से भी दिया जा सकता है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, या ऐसे दे दें तो आप उसको आर एस टी में चेंज कर लो जो भी है। अब इसको इधर ले आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में ले। अब इसको कंपेयर करके कैपिटल आर एस टी निकालें। अब इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग इसको हमने कंपेयर किया कंपेयरिंग विथ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इससे हमने इसको कंपेयर किया। कैपिटल आर जो आया वो वन आया, कैपिटल एस है ही नहीं, स्मॉल एस वाला है ही नहीं, तो कैपिटल एस जीरो आया। कैपिटल टी जो आया वो माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आर एस टी आ गया। अब ये जो आर एस टी आया है उसको एक इक्वेशन में उठा के पुट करते हैं और उससे लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा पुटिंग आर एस टी, पुटिंग आर एस टी इसको आर एस टी इन लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लोग पुट करते हैं लैम्डा स्क्वायर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू जीरो में उठा के इसको पुट करेंगे। आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू जीरो में उठा के पुट करेंगे। आर की जगह वन है, हर क्वेश्चन में यही करना है। इससे पहले कंपेयर कर लो और सब इसमें उठा के पुट करो। आर की जगह वन है, वन लैम्डा स्क्वायर, एस की जगह जीरो, टी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक बार आया लैम्डा माइनस एक्स और एक बार आया लैम्डा प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इतना आ गया। एक बार हमारे पास लैम्डा वन, इसको हमने एक्स मान लिया, दो वैल्यूज आ गई, से लैम्डा वन इज इक्वल टू एक्स एंड लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब ये जो लैम्डा वन लैम्डा टू की जो वैल्यूज है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यही पूरा प्रोसेस होता है। पुटिंग लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू इन dy by dx plus lambda 1 is equals to 0 and dy by dx plus lambda 2 is equals to 0, इसमें lambda 1 और lambda 2 उठा के पुट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का कुछ भी आ जाता है, r plus 2s plus t आ जाता है, कुछ भी इस तरह का फॉरवर्ड बना के दे देगा, प्लस दे देगा, प्रोसेस सबका यही है। अब यहाँ पे हमने lambda 1 और lambda 2 रखा, जब इसमें हमने उठा के पुट किया तो यहां पे आया dy by dx प्लस लैम्डा वन की जगह x इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहां पे dy अपॉन dx, या इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। x के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट किया तो यहां पे 1 dy आ जाएगा, या उधर ले जाए वेरिएबल सेपरेबल बना लें, y और x का x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन, पहला कॉन्स्टेंट किया। दूसरा एलिमेंट रखा, पुटिंग लैम्डा टू, पुटिंग लैम्डा टू इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो, इसमें लैम्डा टू रखा, लैम्डा टू की जगह हमने माइनस एक्स रखा इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने पे ये हमारा आ रहा है y माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी टू, हमारे पास ये आ रहा है, एक चीज तो हमारे पास ये आ रही है। अब आगे जरा देखें क्या प्रोसेस है। अब हम लोग करते क्या है, ये जो सी वन और सी टू आए हैं इसको एक नया अननोन यू और वी ले लेते हैं। और यहां पे सबसे अब कैनोनिकल फॉर्म, अब यहां से बात शुरू होती है कि क्या होता है, टेकिंग सी वन इज इक्वल टू यू, कोई दो अननोन ले लेते हैं, कोई यू और एक को वी ले लेते हैं। तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यू हो गया एंड सी टू इज इक्वल टू वी,
तो y माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू बी हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर कोई दे दिया, ए दे दिया, और इसको हमने बी दे दिया, ए और बी इक्वेशंस दे दी। हमारे पास इक्वेशन थी क्या, टेकिंग आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, इसी को चेंज करना था। अब समझिए जरा क्या सीन क्या है। R जो था वो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू था, एक्स स्क्वायर टी जो था वो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू था इज इक्वल टू जीरो। जेड फंक्शन एक्स और वाई का है। अब हमें कैनोनिकल फॉर्म में जेड को फंक्शन इस स्मॉल यू और वी का बनाना है, मतलब जेड को एक्सप्रेस करना है U और V के टर्म में। जब एक्सप्रेस करेंगे ये एक्स वाई हट जाए और सारा कुछ यू ही में आ जाए, तो यही जो रिड्यूस करते हैं दिस फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब उसके लिए करेंगे क्या वो जरा देखिए आप लोग। हम सबसे पहले R और T की वैल्यू निकालेंगे और जेड एक्स और वाई नहीं, जेड को यू और वी का फंक्शन बनाएंगे पूरा सॉल्व करके, और पूरा इसको चेंज करके यू और वी में लाएंगे, वही हमारा कैनोनिकल फॉर्म है। अब देखिए R के लिए पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। डेल जेड बाई डेल एक्स जो होता है, जेड चूंकि फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास इतना है, लेकिन हमें जेड को तो यू का फंक्शन बनाना है, इस तरह का बनाना है। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स पी होता है, और चेन रूल लगाएं, जेड को यू और वी के टर्म में लाना है। इसको लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब जेड को यू और वी का फंक्शन बनाना है, प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। ये चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। जेड को फंक्शन यू और वी का बनाना है, तो डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। U मेरे पास जो है दैट इज वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो हमारा U है। अगर हमने डेल यू बाई डेल एक्स यहां से निकाला तो वाई का जीरो इसका टू एक्स बाई टू होगा, टू से टू कैंसिल आउट होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह हमने एक्स रख लिया। प्लस डेल जेड बाई डेल वी और डेल वी बाई डेल एक्स निकालना है। वी हमारे पास जो है वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है, डेल वी बाई डेल एक्स हमने निकाला तो डेल वी बाई डेल एक्स जो आया वाई का जीरो इसका माइनस टू एक्स बाई टू, तो माइनस एक्स आया, और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस का एक्स आ गया। दिस इज डेल वी बाई डेल एक्स। ओवरऑल आया कितना, एक्स डेल जेड बाई डेल यू माइनस एक्स डेल जेड बाई डेल वी हमारे पास ये इतना रहा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। अगर हमें डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह जरूरत पड़ती तो इतना यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक्स कॉमन ले लें तो डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी हमारे पास ये रहा। लेकिन सिर्फ डेल जेड बाई डेल एक्स से तो काम बनेगा नहीं, हमें तो आर चाहिए, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू चाहिए, इसलिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे भी हम लोग तभी काम हो पाएगा। चलिए यहां से जरा देखते हैं, यहां पे जो मेरे पास आया, थोड़ा बड़ा होता है प्रोसेस लेकिन अगर ध्यान से समझे तो हो जाता है। यहां पे जो मेरे पास आया, अब हमने डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू निकाला। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू को जो लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू को जो लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, इतना लिख सकते हैं। ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू को डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू चाहिए, मतलब आर चाहिए, आर चाहिए, दिस इज आर, इसमें उठा के पुट करेंगे ये इसमें रख देंगे, बात तो वही है, ये इसमें रख दें इसमें रख दें बात तो वही है, आर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू टी डेल टू जेड अपॉन डेल वी। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर फिर से हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इतना हो गया। यहां पे आया
एक्स इंटू डेल डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, तो ये रहा प्लस डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, ये रहा, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से चेन रूल लगा ले यहाँ पे, क्योंकि अगर ये यू वी होता तब तो ये एक्स वाई होता तो इजिली डिफ्रेंशिएट हो जाता। अब कैसे लगाएं देखिए, यही थोड़ा सा समझता है। यहाँ पे क्या था, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी, डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल बाई डेल यू ऑफ जेड, तो जेड अब पूरा इतना है, इतना है, ध्यान से समझे, डेल बाई डेल यू ऑफ जेड इसका कर रहे थे इसको, और इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, तो अब क्या लिखें, डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इंटू इंटू, फिर से ध्यान से सुनिए, डेल बाई डेल यू ऑफ जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल यू ऑफ जेड, जेड पूरा इतना है, जेड पूरा आपका इतना है, ठीक, इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वी, डेल बाई डेल वी, डेल बाई डेल वी ऑफ जेड, जेड का मतलब डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, हमारे पास इतना रहा। प्लस का थोड़ा सा ये स्टेप बहुत ध्यान रखना है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जैसे जेड था, अब जेड की जगह इतना है, तो इसी तरह से चेन रूल फिर लगा लिया, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड बी, उस तरह से हमने चेन रूल लगाया क्योंकि हमें यू बी में कन्वर्ट करना है। प्लस डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, हमारे पास ये था। अब बच्चे इसको यहां से लिख सकते हैं, एक्स इंटू दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू, ये अंदर ले, माइनस माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स अगर आप देखें तो यहां पे एक्स आया हुआ है, प्लस डेल डेल टू जेड अपॉन डेल वी डेल यू, ये रहा डेल वी डेल यू, ये रहा, माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू, ये रहा, इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स इज माइनस एक्स, माइनस एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स। प्लस का डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, इसी क्वेश्चन का थोड़ा ये जो डिफ्रेंशिएट कर रही है टफ होता है, अदरवाइज सिंपल होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यह है एक्स, और ये एक्स ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वी डेल यू, दिस कैन ऑल्सो रिटन एज डेल यू डेल वी, और प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू, हमारे पास ये रहा, और प्लस का डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, ये हमारे पास इतना रहा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर कैपिटल ए, ये हमारे पास इतना रहा। अब हमें यहां पर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू और निकल उठा के यहां पर रखेंगे, पूरे को यू और वी में कन्वर्ट करेंगे, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एक्स वाई कुछ नहीं होना चाहिए, सब यू वी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब चलिए जरा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू निकाल लीजिए, इसके लिए पहले डेल जेड बाई डेल वाई निकाले, डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई को फिर चेन रूल लगा लें, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई, अब ये तो निकाल लिया, अब इसको और निकाल लें, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई, ये इतना हो गया चेन रूल, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई। अच्छा डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा, वन आएगा, और डेल वी बाई डेल वाई भी वन आएगा, पार्शली जब करेंगे यहाँ पे यू जो हमारे पास है दिस इज वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, हमने डेल यू बाई डेल वाई किया तो ये भी वन आया, और डेल वी बाई डेल वाई किया वी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे मैंने डेल वी बाई डेल वाई किया तो ये भी हमारे पास वन ही आया, तो दोनों वन आ गए, डेल यू बाई डेल वाई भी वन आ गया और डेल वी बाई डेल वाई भी वन आ गया,
दैट इज डेल जेड बाई डेल यू इंटू वन, डेल जेड बाई डेल वी इंटू वन, दिस इज डेल जेड बाई डेल वाई, दिस। अब चलिए जरा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू निकाल लें, यहीं पे निकाल लेते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, थोड़ा सा यहाँ रब कर लेते हैं, ये तो इतना आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। अब डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू निकाल रहे हैं, यहीं पर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू निकाल लेते हैं, दैट इज डेल बाई डेल वाई, जो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू जो रहा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू को हम लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, इतना लिख सकते हैं, दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। अब यहां पे जैसे डेल डेल वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो सब यू और वी में चाहिए, तो जेड दोनों तरफ से हटाएंगे, ऑपरेटर हटेगा, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ध्यान से सुने, ऑपरेटर हटेगा तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं डेल बाई डेल यू, डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी इन टू डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू, ये पूरी रख रहे हैं, ऑपरेटर हटा। अच्छा किसी ने पूछा कि यहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो वेरिएबल एक्स प्रोडक्ट है इसलिए ऑपरेटर की वैल्यू नहीं मिल पाई, एक्स ना होता तो बहुत इजीली एक्स ना होता तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल बाई डेल यू माइनस डेल बाई डेल वी हो जाती, ऑपरेटर उसके इक्वेलेंट हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स प्रोडक्ट में था इसलिए नहीं हटा। यहाँ पे हमने इसकी जगह रखा डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी, ये हमने इतना रखा। अब इसको अंदर लें तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू हो गया प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी हो गया और प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी डेल यू हो गया, डेल वी डेल यू हो गया और प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू हो गया। ये डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी, डेल टू जेड अपॉन डेल वी डेल यू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। अब उठा के दोनों चीजें मिल गई हैं, उठा के इसमें हम दिस इज आर, दिस इज टी, आर और टी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सी में पुट कर लीजिए, यहां पे इसको रब करें इसकी जरूरत नहीं, पुटिंग आर एंड टी इन इक्वेशन सी। ध्यान रखेंगे कि सारा कुछ यूवी में आना चाहिए, जेड फंक्शन यूवी का आना चाहिए। चल यहां पे हमने क्या किया, इसको सी कर लिया, बात तो वही है, दोनों R की वैल्यू इतनी होती है, T की वैल्यू इतनी होती है, पुटिंग R एंड T इन C, पुटिंग स्मॉल R एंड T इन इक्वेशन C, इक्वेशन C में R और T की वैल्यू को हमने उठाकर पुट किया, R की वैल्यू हमने रखी x स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू माइनस, ये दोनों ऐड हो गए, टू टाइम डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू प्लस डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी माइनस एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू पुट कर लें, इसको रब करना, इसकी तो वैल्यू मिल ही गई है, यहां पे डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू पुट कर लें, दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू प्लस टू टाइम डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी एड हो गए प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू, ये हमारे पास इतना रहा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू जीरो, ये इतना हो गया। अब यहां पे आया कितना, ये दोनों उधर चले गए, ये दोनों उधर चले गए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू माइनस टू टाइम डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू टू टाइम डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वी माइनस डेल जेड बाई डेल यू, ये इतना हो। अब देखिए यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें
तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू कटा, डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू कटा, कैंसिल आउट हुआ। यहां पे कितना आया, माइनस का 4x2, ये 2 2 ऐड होके 4 हो गया, 4x2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वी माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, कॉमन कर ले, तो x2 इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज डेल जेड बाई डेल यू, और ये प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस डेल जेड बाई डेल वी इतना। अभी हमारे पास जेड यू वी का फंक्शन आ गया यहां भी, लेकिन एक्स नहीं आना चाहिए, यू और वी वही लाना है, अब एक्स स्क्वायर चाहिए। अब एक काम करो, ए में से बी को सेपरेट करो, यहां पे कर देता हूं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डी कहते हैं। ए माइनस बी जब हमने सेपरेट किया, क्योंकि हमें हमें अभी दिक्कत एक्स स्क्वायर क्या रही, पूरे सिस्टम को ही यूवी में ले जाना है। यहां पे हमने ए में से बी को जब सेपरेट किया तो वाई वाई कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों सेपरेट हुआ, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर आ गया, और ये यू माइनस बी आ गया। मतलब इस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख दे, यू माइनस वी, यू माइनस वी पुटिंग इन डी, पुटिंग इन डी, इसको हमने उठा के डी में पुट किया, डी में जब पुट किया इसको हमने डी में उठा के पुट किया, एक्स स्क्वायर की जगह यू माइनस वी इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, हमारे पास ये इतना रहा, ये इतना हो। अब क्या हुआ, या तो यही छोड़ लें, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, और इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लें, दैट इज डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी 1/4 यू माइनस वी इंटू डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, ये रहा, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज, अब देखिए जेड एक्स और वाई में ना होकर यू और वी में आने लगा, एक्स स्क्वायर भी हट गया, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही काम करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वजह यह है कि वहां पे जो हमने चेन रूल फिर से अगेन लगाया वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। आप चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।